मेरा ग्रुप। पर इस कंपनी की वास्तविकता और विश्वसनीयता की जांच करने हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उसके हर ऑफिस और हर स्टोर पर जाकर हमने जांच पड़ताल की, पर उन्हीं के वेबसाइट से हमने पूरी जानकारी लेकर ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सारे वीडियो की जांच हमने की है। हीरा ग्रुप का मुख्य व्यापार गोल्ड का है। इससे पहले कि हम हीरा ग्रुप से पूछते, हमने बाकी सारे गोल्ड व्यापारियों से उनके बैलेंस शीट और उनके व्यापार के बारे में जानकारी मांगी, जिसको देने से सभी ने इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई कंपनी नहीं जो आपको ये सारी जानकारी दे। सारा काम TMCC फॉर्च्यून टावर उनके दुबई ऑफिस से होता है। हमने फॉर्च्यून टावर में भी जाकर उनसे जानकारी हासिल की। उनकी पूरी ऑफिस और उनका काम दुबई पुलिस के देखरेख में होता है, क्योंकि वही होता है उनका बिजनेस। हीरा ग्रुप के समाज सेवा के बारे में हमें ये जानकारी मिली कि वो अपना समाज सेवा का काम दिखावे के लिए नहीं करता। इसकी बुनियाद वो स्कूल है जो समाज के मुसलमान लड़कियों को बिना कोई फीस के शिक्षण देता है, जो राष्ट्र के उन्नति के लिए योगदान देती है और समाज के लिए एक उदाहरण बनती है। शिक्षण के अलावा उन लड़कियों के रहन सहन और खाने पीने का भी ध्यान हीरा ग्रुप रखता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने उनके स्कूल के स्टूडेंट से पूछताछ की और हमें ये पता चला कि वो सभी को बिना कोई फीस या पैसों के ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमने जब हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर से पूछा कि क्या हीरा ग्रुप ने आपसे कोई जोर जबरदस्ती से इन्वेस्ट करवाया है, तो उनका जवाब था ना। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा हम हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी मर्जी से कर रहे हैं। इनकी सच्चाई जानने के लिए हमने हीरा ग्रुप के एक एजेंट को कॉल लगाया और कहा कि हमें भी हीरा ग्रुप में करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, जिस पर एजेंट ने हमसे कहा कि उसके लिए हमें पहले वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और बताना होगा कि ये रकम हम क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर इस पर हमें हीरा ग्रुप से जवाब मिलता है तो हम बैंक ट्रांसफर द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी कंपनी पीछे नहीं हटती और इन्वेस्टर से फॉलोअप करती रहती है। ठीक ऐसा ही कॉल हमने छोटे रकम के इन्वेस्टमेंट के लिए किया और उस पर भी हमें वही जवाब मिला। डॉक्टर नाज़िरा शेख के बारे में हम सभी ने सुना और पढ़ा है, उनके काम, उनके अचीवमेंट्स इत्यादि, पर इसकी भी हमने जांच की। हमने उस हर एक पब्लिकेशन से पूछताछ किया जिन्होंने डॉक्टर नाज़िरा के बारे में न्यूज लिखी या किताबें छापी, और उनका एक ही जवाब था कि उन्होंने जो कुछ भी डॉक्टर के बारे में लिखा है वो सब 100% सच है। वो एक नेक दिल इंसान है और एक सफल समाज सेविका भी है, जिनका हीरा ग्रुप एक सच्चा कंपनी है। उनकी जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स है उसके बारे में हमें ये पता चला कि उसमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट की फैसिलिटी नहीं है। जब हमने इसका कारण पूछा तो हमें ये पता चला कि हीरा ग्रुप के कई सारे इस्लामिक कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड के खिलाफ हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते, और उन्हें कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा ज्यादा पसंद है, इसीलिए उनकी सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी नहीं है। हमने हीरा फूडेक्स के मंथली किट की भी जांच की, जो 100% वास्तविक था और उसकी डिलीवरी भी सही प्रकार से हुई। हमें डॉक्टर नाज़िरा के बारे में ये पता चला कि वो अपने मैनेजर्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स रखती है और कंपनी को आगे बढ़ाने के स्ट्रेटजीज डिस्कस करती है। हीरा ग्रुप के हर ऑफिस की हमने जांच पड़ताल की और पता चला कि हर जगह बिजनेस हो रहा था। हमने हीरा फूडेक्स के बारे में भी पता किया कि वो सुपरमार्केट में अवेलेबल था और उसका सेल भी अच्छा हो रहा है। हीरा गोल्ड का बिजनेस दुबई गवर्नमेंट के अंडर में किया जाता है और उसका हर बिजनेस एकदम साफ और सही तरीके से किया जाता है। हीरा ग्रुप का हर काम डॉक्टर नाज़िरा के निगरानी में ही होता है और हर बिजनेस की सफलता में डॉक्टर नाज़िरा का पूरा योगदान होता है, जैसे कि उनका नया बिजनेस हीरा फैब्रिक, जो सफलता की ओर बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में काफी लोकप्रिय हो रहा है। हमने ये रिपोर्ट इसलिए तैयार किया है ताकि कल उठकर कोई भी एरा गैरा गलत आरोपों से कोई सच्ची कंपनी का नाम बर्बाद ना करे। हमने ये रिपोर्ट हीरा ग्रुप के प्रमोशन के लिए ये नहीं बनाया है, बल्कि हीरा ग्रुप जैसे सच्चे कंपनी की ईमानदारी दुनिया के सामने पेश किया है।